नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक आर्यन की। आप सभी जानते हैं भूल भुलैया 2 में कार्तिक आर्यन ने किस तरह से काम किया है, किस तरह से कार्तिक आर्यन ने फैंस के दिलों में जगह बनाई। वैसे तो हर कोई जानता है कि कार्तिक आर्यन किसी भी फिल्म को लेकर आते हैं तो स्पेशली गर्ल्स फैन के दिलों में एक अलग पहचान छोड़ जाते हैं। नेशनल क्रश है कार्तिक आर्यन रह चुके हैं और इसी बीच सारा अली खान के साथ भी उनका खास रिलेशनशिप रहा था, लेकिन अब वो लोग अलग हो चुके हैं। लेकिन इसी के बीच आपको बता दें कि कार्तिक आर्यन के भूल भुलैया 2 के आने के बाद उनकी फैन फॉलोइंग और ज्यादा बढ़ चुकी है। जिस तरह से कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 ने 200 करोड़ रुपए जो है वो पार कर लिए हैं, 200 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया हुआ है। तो इसी बीच कार्तिक आर्यन को लेकर लगातार खुद को यकीन नहीं हो रहा कि मेरी फिल्म ने क्या कमाल कर दिया। कार्तिक आर्यन का खुद ये कहना है कि लॉकडाउन के बाद मैं थोड़ा सा डर रहा था, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरी फिल्म इतना ज्यादा कर पाएगी। हालांकि 80 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ तक मेरी उम्मीद थी, पर 200 करोड़ तक नहीं थी। हालांकि अभी देखिए बहुत ज्यादा खुश हूं। और सबसे अच्छी चीज तो आपको बता दें कि जब से भूल भुलैया 2 रिलीज हुई है लगातार थिएटर में भीड़ लगी हुई है। भीड़ है फैमिली की, क्योंकि ये एक फैमिली मूवी की तरह है, एक फैमिली मूवी है। फैमिलीज बहुत ज्यादा पसंद कर रही हैं इस मूवी को देखने में और लगातार अभी भी ये मूवी जो है वो पर्दे पर छा रही है। लगातार कई लोग, कई फैमिलीज जो है इस मूवी को देखने जा रही हैं और इसी बीच कार्तिक आर्यन को भी सराह रही हैं। कार्तिक आर्यन की एक्टिंग देखने लायक है, कार्तिक आर्यन की मेहनत उसमें दिखाई दी। कार्तिक और कियारा और पूरी टीम ने जिस तरह से इस फिल्म में मेहनत की है, रंग लाई है ये मूवी, और साथ ही 200 करोड़ के साथ जो आज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इस फिल्म ने, कई फिल्मों को अपने साथ पछाड़ा है। कार्तिक आर्यन की इस फिल्म के साथ कुछ और फिल्म्स भी थी जो इस फिल्म के आगे नहीं टिक पाई, क्योंकि थिएटर में ये फिल्म हट ही नहीं रही थी। लगातार सिर्फ जो भीड़ दिखाई दे रही थी वो इसी फिल्म पर दिखाई दे रही थी। कार्तिक आर्यन लगातार इसी प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट के साथ इतनी बड़ी एक्टिंग देते हैं करते हैं। साथ ही डाउन टू अर्थ कार्तिक आर्यन को हर कोई पसंद करता है। कार्तिक आर्यन की एक्टिंग हो, कार्तिक आर्यन का एक फैन के साथ बातचीत करना हो, वो लगातार दिखाई देता है। कार्तिक आर्यन लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और एक्टिव रहने के साथ लगातार फैंस का भी रिप्लाई करते हैं। फैंस जिस तरह से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं तो उनकी भी बातों का रिप्लाई करते हैं, स्पेशली गर्ल्स फैन। एक बार देखा गया वीडियो की कुछ उनकी गर्ल फैन उनके घर के बाहर आकर भी खड़ी हो गई, जहां आवाज लगाने लगी जोरों से कि कार्तिक आर्यन घर के बाहर आए, कार्तिक आर्यन उन फैंस के लिए घर के बाहर आए। तो ये देखने को मिलता है कि कार्तिक आर्यन इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद भी कितने डाउन टू अर्थ है। अगर वो कोई फैन याद करता है तो वो उस फैन के आगे उनके सामने आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। तो इस बीच कार्तिक आर्यन का ये रूप देखने को मिलता है लगातार, जिस तरह से कार्तिक आर्यन फिल्मों के साथ ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन में बिल्कुल सेम रहते हैं, यही उनकी खास खूबी नजर आती है। लगातार ऐसी अपडेट्स आपके बीच लाते रहेंगे, उसके लिए देखते रहेंगे।